वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं, दसवीं के बाद आपके लिए बेहतरीन कोर्स जो आपको एक अच्छी सैलरी दिलाएगा। जी हां, अपने देश में एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, इंडिया में एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, और यदि आप बाहर के देशों में चले गए तो आपकी सैलरी और भी लाजवाब हो जाएगी। चलिए इस सफर को पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ दसवीं के बाद कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा। हर कैंडिडेट यह जानने की कोशिश करता है कि कौन सा हम कोर्स करें जिससे हमें 25,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक की सैलरी मिल जाए। 25,000 से 45,000 तक के सफर पर अगर चलना चाहते हैं तो यह जो है चंद मिनट आपके लिए, आपके लाइफ के लिए गेम चेंजर होगा। कोर्स नंबर वन की अगर हम बात करें तो अगर दसवीं पास कर लिया आपने तो आप इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत अच्छी है और इससे आप इंडिया में काम कर सकते हैं, इंडिया के बाहर काम कर सकते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल नाम्स होता है, इसके आधार पे आप अगर इस कोर्स को आप करते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 45,000 तक की सैलरी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है कोर्स इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स। ये है फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स, यह भी इंडस्ट्रियल है और इस कोर्स को करने के बाद भी आप 25 से लेकर के 45 तक की सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आता है कि यहाँ पे आपके सामने कि दोनों में अंतर क्या है। भाई देखो, एक में हेल्थ को फोकस होता है और दूसरे में फायर को फोकस किया जाता है, ठीक है। उसी के बारे में आपको एक्सपर्ट बनना होता है, पूरी डीपली जानकारी आप देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जानकारी होनी चाहिए आपको जरूर कि इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी कोर्स में जाने से पहले इंग्लिश की जानकारी कंपल्सरी हो जाती है, इंग्लिश की जानकारी जरूर होना चाहिए, ठीक है। और फायर एंड सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, आप रीजनल लैंग्वेज भी रहेगा चलेगा, हिंदी भी आपको मिलेगा, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी में इंग्लिश कंपलसरी होगा। अगले नंबर का कोर्स है कि अगर आपने सेफ्टी फील्ड में जाने का नहीं सोचा, फायर सेफ्टी में नहीं जाने का सोचा, तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना चाहते होंगे तो इसके लिए आपके लिए होगा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स। यह कोर्स करने के बाद 1 ईयर का ये कोर्स होता है। जितनी भी कोर्स के की मैं चर्चा कर रहा हूँ सभी कोर्स जो है 1 साल के होते हैं। 1 साल के कोर्स करने के बाद से आप एक प्रैक्टिकल के रूप में आप काम कर सकते हैं, या एज इलेक्ट्रिशियन काम कर सकते हैं, गल्फ इलेक्ट्रिशियन काम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल या इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप सीख पाते हैं और जान पाते हैं। अगले नंबर का कोर्स है कि अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है और ऊपर के 3 कोर्सों में आपका मन नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली आप एयर कंडीशन मैकेनिक मैकेनिक कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन के बारे में जानकारी दी जाती है, वो भी गल्फ स्पेशल होता है, बहुत ही अच्छी तरह से और पूर्ण प्रैक्टिकल पर आधारित होता है ये सभी कोर्स। अब 5वें नंबर का कोर्स आता है आर्क वेल्डर। आज के समय में सबसे डिमांड वाला कोर्स है आर्क वेल्डिंग का कोर्स। यदि आप आर्क वेल्डिंग का कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, आपने इसे सोचा है कि मुझे आर्क वेल्डर बनना है, तो निश्चित रूप से ये कोर्स आपको एक अच्छी सैलरी दिलाएगा। ऊपर की जो मैं बात कर रहा हूँ 25 से 45 का, तो आर्क वेल्डर एक ऐसा कोर्स है जो इसे भी क्रॉस कर देता है, यानी सैलरी और भी अधिक हो जाती है। यहाँ पे जो मैंने सैलरी आपसे डिस्कस किया है, ये सैलरी उन स्टूडेंट्स के आधार पे किया जो SST इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर के इस समय इंडिया में और बाहर के देश में जैसे दुबई में, सऊदीया में, कुवैत में, बहरीन में काम कर रहे हैं, उस आधार पे मैंने आपको ये बताया है। ये सैलरी बिल्कुल मिनिमम सैलरी है, इससे अधिक की सैलरी आपको प्रोवाइड होगी, अधिक सैलरी आपको मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये तो जानकारी होगी आप कोर्स कहाँ से करें, तो कोर्स करने के लिए अगर आप SST इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट्स तो मिलता है कि जो देश विदेश की काउंसिल है वो वहां पर जो है SSTN को काफी मान्यता मिलती है और एक वेटेज मिलता है, एक वैल्यू मिलती है, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया की जितनी भी MNC कंपनी है या बेस्ट कंपनियां हैं जो अच्छे कैंडिडेट ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, उन्हें मालूम है कि SST में पास आउट होकर ही आप बाहर निकलते हैं। अगर पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो निश्चित रूप से आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल आपके पास नहीं हो पाता है, दूसरा बात फर्जिफिकेशन भी नहीं हो पाता। तो डियर स्टूडेंट, बहुत सारे फायदे हैं, आई होप कि सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हाई स्कूल बेस पे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।